Hello everyone, good evening and a very warm welcome. I'm your host, Sarabjot Kaur. One of the master planned cities in the world, Tri-City, Chandigarh mein desh ke number one news channel network, News 18, ke is manch par aap sabhi honorable guests ka main welcome karti. It's region's biggest conclave on healthcare sector. News 18 Punjab, health conclave, fitness first, a step towards becoming healthy and fit. Co-powered by Reliance Industries Limited. We not only deliver every accurate news to you first, but we also keep you informed with current national and international scenario also. We not only raise every important issue related to you, but when there is need of public concern, we always stand with you also. We feel immense pride that with your valuable support, we have become the first choice and trustworthy name in the history of Indian television network. Yes, the India's largest and number one news channel network, News 18, thanks all of you. Public interest se judi initiatives ki is kadi mein, aaj Punjab ke healthcare infrastructure, quality treatments and facilities aur transformation ke baare mein, News 18 dialogue, discussion and felicitation ka sabse bada platform leke hazir hai. Health conclave, fitness first. Now I'll seek your kind attention as we have a thematic show AV for this event. Let's have a look. Can we have the AV please? Zinda Dili jiska hai andaaz, wo mast maula hai sadda Punjab. अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए मशहूर और ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहा जाने वाला पंजाब हेल्थ केयर सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन का भी गवाह बन रहा है. हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से पूरे पंजाब के मरीजों को क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज का फायदा मिल रहा है. हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अपग्रेडेशन पर फोकस होने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों सहित 40 सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के सुधार की पहल आज रंग ला रही है. 1390 मेडिकल ऑफिसर्स के अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति को मंजूरी मिलने से मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी दूर होगी, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक मरीजों की पहुंच और आसान हो जाएगी. रिफॉर्म और एक्सपेंशन के बावजूद पंजाब के मेडिकल सेक्टर के सामने कई चैलेंजेस हैं. क्या आबादी को देखते हुए यहाँ वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज, नंबर ऑफ बेड्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और डॉक्टर्स पर्याप्त हैं? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स और मेडिकल एंटरप्रेन्योर्स को पंजाब सरकार बेहतर सुविधाएं दे रही है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए पहल करने जा रहा है न्यूज 18, जहां डॉक्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्थ सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन, अचीवमेंट्स और फ्यूचर के बारे में करेंगे बात. डायलॉग, डिस्कशन एंड फेलिसिटेशन का ये महामंच है न्यूज 18 पंजाब. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट सेशन जिसका नाम है पेन का पंगा. अगर आपको बॉडी में पेन है, आपको दर्द रहता है, तो ये सेशन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके सभी प्रॉब्लम्स का जो जवाब है इस सेशन में आपको मिलेगा. टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज माय कलीग अदिति त्यागी. अदिति प्लीज कम ऑन स्टेज. रिक्वेस्ट आर ऑनरेबल गेस्ट टू प्लीज कम ऑन स्टेज. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अमित गोयल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट MBBS TNB ऑर्थोपेडिक्स पार्क हीलिंग टच हॉस्पिटल अम्बाला. वेलकम सर. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर तनवीर सिंह भुटानी, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट ईवा हॉस्पिटल लुधियाना. वेलकम सर. Now I would like to call upon stage Dr. Manit Arora, Orthopedic Sports Medicine, Fortis Hospital. Welcome, sir. Over to you. Thank you. सबसे पहले तो माना आज हम हेल्थ पे बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी हेल्थ जरूर खराब है. ऐसा है क्या? तालियों के मामले में आप लोग इतनी कंजूसी क्यों करते हैं भाई? मैं जानना चाहती हूं आज किस किस ने लंच खाया है. अगर आज मुझे स्टैमिना देखना है, हेल्थ की जब बात होती है तो स्टैमिना की बात होती है, तो मुझे देखना है आप लोगों का स्टैमिना कितना है. प्लीज गाइस कम ऑन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट. मजा नहीं आ रहा है मुझे जब तक आप लोग ठीक
ठीक से मैं बजवाती रहूंगी, तो इससे बेहतर ये है कि आप एक ही बार में ऐसे बजा दीजिए कि इनका भी दिल खुश हो जाए और हम सब जाग जाए। तो प्लीज वन मोर ट्राई, दैट्स वे बेटर। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे जो शुरुआत करने वाली हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हम जिसकी बात करने वाले हैं, दरअसल एक चोर के बारे में बात करने वाली हूं मैं। और वो चोर क्या है, चुपके से आता है, उसका पता नहीं चलता, और क्या करता है, आपके बोन्स ही आपसे चुरा लेता है। मुझे पूरा यकीन है डॉक्टर अमित समझ गए होंगे मैं किस चोर की बात कर रही हूं। तो ये चोर जो है, आज की तारीख में अगर हम हड्डियां जो कि 206 होती हैं शरीर में, और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम आउच करने लगते हैं, तो ये जो चोर है ये कितना बड़ा चैलेंज आज आप लोगों के लिए है। देखिए, अगर हम हड्डियों के दर्द जनरली बोन पेन की बात करें तो मोस्ट कॉमन रीजन है ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपेनिया लाइफस्टाइल, विटामिन डी डिफिशियंसी और प्रोटीन डिफिशियंसी, ये सब रीजन से हो सकता है। और ऑस्टियोपेनिया सेनाइल भी हो सकता है, एज के साथ भी हो सकता है, पोस्ट मेनोपॉजल भी हो सकता है, फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण भी हो सकता है, और वही चीज अगर आगे बढ़ती है तो फीमेल्स में वही चीज ऑस्टियोपोरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकती है, वही सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो पेशेंट के जो फीचर्स होते हैं वो जनरली पेशेंट बोलता है कि जनरलाइज बोन पेन होता है उसको, कोई स्पेसिफिक रीजन का पेन नहीं होता है, विच इज हार्ड टू डायग्नोस कि हाँ मतलब ये किस वजह से हो रहा है। तो उसके लिए आगे बेसिकली पेशेंट को इवेल्युएट करना होता है। बट द जनरलाइज्ड फीचर्स, जैसा कि आपने बोला कि धीरे धीरे होता है, पता नहीं चलता, कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, तो ओवरऑल जनरलाइज्ड बॉडी पेन, यस, बोथ इन ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। जी डॉक्टर तनवीर, मैंने ये इसलिए उठाया क्योंकि जब मैं बोन्स के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी तो उसमें सबसे ऊपर आया ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। उसमें ये था साइलेंट थीफ, मैंने इसलिए कहा कि 6 करोड़ लोगों को डायग्नोस, ये WHO कह रहा है, मैं नहीं कह रही, और उसमें भी 80% वुमेन जो है उनका डेटा वो कहता है कि था उसमें। कितना बड़ा चैलेंज, आप अपनी, अगर मैं आप लोगों की जर्नी में ही पूछूं, मेरा सवाल वही था कि किस तरह से जो केसेस हैं बोन से जुड़े हुए जो केसेस हैं वो किस तरह से बदले हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और क्या ये कहना सही है कि आज की तारीख में जो साइलेंट थीफ है, जो चुपचाप आता है, उसको डायग्नोज नहीं कर पाते अर्ली स्टेजेस में, ये कितना बड़ा चैलेंज बोन से रिलेटेड जो केसेस हैं उसमें इसका है कॉन्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, खास करके वेमेन जिनमें पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब मीनोपॉज होने के बाद जो हड्डी का वीकनेस है, दैट एक्सपाउंड्स, यू नो, दैट मल्टीप्लाइज, एंड यू विल बी सरप्राइज। आप क्या सोचते हैं कि आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस का बिगिनिंग कब होता है? इट्स आर्थराइटिस स्टार्ट्स एज अर्ली एज द सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ, सो 20s में 30s में जॉइंट डिजेनरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये जो अभी आपने बिंदु उठाया, मैं सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं उन्हें क्लैरिटी मिलेगी कि हम अक्सर यंगर पीपल बोन्स और जॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यंगर पीपल हु थिंक दे आर इनविंसिबल, कि अभी तो हम यंग हैं, हम स्मोक कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, एक्सरसाइज के बिना चलता है, ऐसा नहीं है। सो इट्स लाइक अ बैंक, बोन बैंक, द मोर यू पुट इन अर्लियर, आपके पास ओल्ड एज में उतना ही बोन स्टॉक, बोन क्वालिटी एंड मसल क्वालिटी होता है टू लिव अ क्वालिटी लाइफ, पेन फ्री लाइफ। एंड आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग कि आजकल जिस तरह का हमारे ऊपर स्ट्रेस है एंड जिस तरह का हर चीज में हम मिलावट बोल रहे हैं या अडल्ट्रेशन बोल रहे हैं या प्रोसेसिंग बोल रहे हैं ऑफ सिंपल फूड ग्रेन्स एंड फूड्स, इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टिक टू आर रूट्स टू मेक श्योर कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें सब कुछ होना चाहिए। एक हेल्दी रूटीन, ऑफ कोर्स, एक्सरसाइज, यस, अ गुड डाइट, यस, एंड वेट मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ इस तरह के फैमिलियल फैक्टर्स होते हैं जिनमें कई फैमिलीज को, कई लेडीज को ऑस्टियोपोरोसिस या कई इवन मेन को ज्यादा होने का चांस होता है, बट उसको काफी हद तक हम ऑफसेट कर सकते हैं विद लाइफस्टाइल चॉइसेस। एंड इट इज अ साइलेंट थीफ बिकॉज इट स्टार्ट स्टीलिंग एट अ वेरी अर्ली डेट वेन वी डोंट इवन नो इट हैज स्टार्टेड टू स्टील। वो पता तब चलता है जब आप कह रहे हैं कि डायग्नोसिस लेट होना, वो इसलिए लेट होता है क्योंकि जब सिम्टम प्रेजेंट होता है तब तक ऑस्टियोपोरोसिस या ये वीकनेस काफी हद तक एडवांस हो चुकी होती है। योर सेकेंड क्वेश्चन वॉज आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में फर्क क्या है, तो बोन और ज्वाइंट में क्या फर्क है? सो बोन इज द फ्रेमवर्क, द एंटायर फ्रेमवर्क विच इज लाइक यू राइटली सेड 206 बोन्स। तो आपस में जब दो बोन्स जहां जुड़ती हैं वो ज्वाइंट है, वहां जो प्रॉब्लम होगी वो आर्थराइटिस की है,
और पूरी बोन में जो प्रॉब्लम होगी वो ऑस्टियोपोरोसिस की है। सो ऑस्टियोपोरोसिस इस तरह से अगर देखा जाए तो एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है जो शरीर के हर बोन में होनी है, एंड इट अफेक्ट्स द स्पाइन द वर्स्ट द हिप्स ऑल दीज ज्वाइंट्स यू नो सॉफ्ट बोन्स। और आर्थराइटिस कैन बी अ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम कि सिर्फ एक नी में प्रॉब्लम आ गई, तो उसका सोल्यूशन कैन बी मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इवन सर्जरी। बट ऑस्टियोपोरोसिस लकीली इज रिवर्सिबल, आर्थराइटिस रिवर्सिबल नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस विद न्यूअर टेक्निक्स वी हैव यू नो न्यूअर मेडिसिन, न्यूअर इंजेक्शन, लॉट्स ऑफ स्प्रेज कैन बी ट्रीटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। द ओनली थिंग इज यू हैव टू गेट कंसल्टेड एट एन अर्लियर स्टेज बिफोर यू थिंक यूर ऑलरेडी इन ट्रबल। लॉट्स ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल, डेक्सा स्कैन्स हैं, ऑफकोर्स क्लिनिकल जजमेंट इज नंबर वन, एंड इन सबको अगर देख के हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखें, इट इज अ वेरी ट्रीटेबल कंडीशन। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे मेरा सवाल ये होगा, क्योंकि जैसे कि हमने बहुत डिटेल में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द बोन्स एंड द जॉइंट्स एंड द आर्थराइटिस एंड द ऑस्टियोपोरोसिस, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू बिल्ड हेल्दी बोन्स सो दैट वी डोंट हैव सच इश्यूज और सच चैलेंजेस इन लाइफ लेटर ऑन। So I think there's many parts to it. Firstly, thank you for having me, and I'll tell you my own story. Thank you for joining. So at one point in time, about 10 years aaj se pehle, I had a fracture, and I used to consider myself very healthy, and basically I had gone to Mumbai, and Mumbai se aage ek jagah hai Karjat. So we all went for this waterfall wala trip, and I slipped from the waterfall and I fell backwards and I broke my humerus bone. And it broke into two pieces. Now, before that, I used to think, I'm good. I'm a young guy. I should have good bones. That day, I realized that I don't have good bones. And that's one of the common things jo main dekhta hu apne patients mein bhi jo bhi aate hain, is ki there's a misconception that just because you're young, your bones are strong. Life doesn't work that way. So it's really important ki jo building blocks hote hain bones ke, unko hum strong karein from an early age. So we have How to... How early? So we have to educate our children from the start to drink milk every day. And I think we need to inoculate that into our daily household activities. Ki unhone doodh peena hi peena hai. That is a basic simple thing jo hum at a very early age hum start kar sakte hai. Second thing is making sure that they get sunlight. So we हम हमेशा ये बोलते हैं कि यू नो आप बाहर मत जाओ, धूप में मत खेलो, everything. But you realize ki you need at least a half an hour of healthy sunlight every day, and that healthy sunlight is typically between 10 to 11 a.m. or in the evening between 4 to 5 p.m. when you know the sun is setting or the sun is rising. तो उसमें आपको ज्यादा डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं मिलता सनलाइट का, बट यू नीड दैट सनलाइट। क्योंकि ये जो आपने कहा कि 10 टू 11 एएम तब तो यूजुअली सन इज आउट देयर विद इंटेंसिटी, मैंने सुना है, और बहुत सारे यहां पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने कई रील्स देखे होंगे, तो अक्सर ये कहा जाता है 7 टू 8 एएम के बीच आप बैठिए। एट 7 टू 8 इफ यू वेक अप, आई वेक अप एट 4, सो 7 से 8 बजे के बीच में सन इज एट द होराइजन. That sunlight never ever reaches you in the cities properly. Okay. You need the sun to rise a little bit. That's the only way the sun rays will come to you. So if it's at the horizon, through all those buildings, how are those good sun rays going to come to you? And those sun rays kyun jaruri hote hain? Because through that sun, our body makes vitamin D. And vitamin D and calcium from the milk, vitamin D from sunlight. ये बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. देन एज यू गेट ओल्डर हम क्या करते हैं, दूध पीना बंद कर देते हैं, ठीक है, सनलाइट में जाना बंद कर देते हैं. वी ऑलवेज हैव दिस कंसेप्शन कि काले हो जाएंगे अगर जाएंगे सनलाइट में ज्यादा, बट हमने वो हैबिट्स इनोकुलेट करके बिल्ड करनी है, नॉट ओनली फॉर आर जनरेशन बट आर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग एक्सरसाइज एवरी डे. ऑर्थोपेडिक्स में एक रूल होता है, उसको कहते हैं वुल्फ्स लॉ. सॉरी, विच लॉ? वुल्फ्स लॉ. Wolf's law. Yes, like a wolf. Yeah. It's called Wolf's law. What is so it? That says ki a bone will remodel itself according to the stresses that are placed on it. That means, simple bhasha mein, ki jaise jaise hamara shareer badhta hai aur hamara body develop hota hai, jo hum uske upar stresses dalenge, usi hisab se hi bone strong banegi. So isliye hame daily some amount of exercise chahiye. Hum calcium dal rahe andar, vitamin D dal rahe andar, jo substrates hote hain. बट उसको बिल्ड करने के लिए, अच्छे से बिल्ड करने के लिए, यू नीड टू हैव एटलीस्ट अ हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज, विच इज नॉट ओनली गुड फॉर योर हार्ट बट इज ऑल्सो गुड फॉर योर बोन हेल्थ.
आपने दो बातें की, एक तो आपने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की बात की और दूसरा आपने एक्सरसाइजेस की बात की। तो डॉक्टर अमित, अब अगला सवाल मैं आपसे ले लेती हूं और सवाल ये है, मैं देखती हूं, मैं खुद जाती हूं तो मैं देखती हूं, मैं एक्चुअली आई प्रेफर गोइंग टू द पार्क रादर देन गोइंग टू द जिम, सो दे हैव जिमिंग मशीन्स देयर। तो मैं देखती हूं बच्चे देखते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग दोज हैवी लोअर बैक एक्सरसाइजेस, दे वॉन्ट टू डू द एक्सरसाइजेस दैट you know the grown ups are doing. Yes. So what is the right age for your kids to start exercising apart from running and walking? Aur dusra sawal ye hai ki vitamin D aap apne aap se to nahi le sakte kyunki body mein agar uska aapne usko beyond the limit that is prescribed, that can also be a problem. So first question about the exercising. तो जो एक्सरसाइज है वो बच्चों के लिए कोई जरूरी नहीं है, बच्चे अपना रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं, खेल सकते हैं, उतना ही उनके लिए एनफ है। लेकिन अगर हम देखें तो 20s या अर्ली 30s से वी स्टार्ट गेटिंग सार्कोपीनिया, यानी जैसे बोन लॉस होता है वैसे ही मसल लॉस, सार्कोपीनिया के साथ साथ आता है ऑस्टियोपीनिया यानी बोन लॉस, बोन वीकनेस, डेट इवेंचुअली कम्स वेन वी कम टू 40, 50, 60s में, फिर हार्मोनल डिसबैलेंसेज इन द फीमेल्स, देन इट टर्न्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। So, 20s, 30s will be a good time to start exercising. हाँ, otherwise उससे पहले आप अपना रूटीन एक्टिविटीज, अगर आप एक्टिव हैं तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन 20s, 30s, अर्ली 30s यू शुड स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे बच्चे अगर अभी हम देखते हैं 14-year-old, 15-year-old, they start gyming, तो क्या उसके साइड इफेक्ट है? Is it good enough? Might cause injuries. अदरवाइज अगर सुपरविजन में करी जाए तो दे कैन डू, देर इज नो सच साइड इफेक्ट, बट द थिंग इज यूजली दे गो टू जिम एंड दे स्टार्ट टेकिंग स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो आते हैं आज के टाइम में वो भी थोड़ा एडल्ट्रेटेड रहते हैं विद स्टेरॉइड्स, तो डेट ऑल कैन बी ड्यू टू द हार्मफुल सप्लीमेंट्स वी टेक। अदरवाइज इफ एक्सरसाइज डन इन मॉडरेशन कैन बी डन एट 14-15 ईयर्स एज इटसेल्फ। द सेकेंड क्वेश्चन विटामिन डी के बारे में जो सर ने भी बोला, डॉक्टर मनीत ने भी बोला, इंडियंस में जो है एंडेमिकली हम विटामिन डी डिफिशियंट होते हैं, वी आर प्रोन टू विटामिन डी डिफिशियंसी आफ्टर सन एक्सपोजर ऑल्सो, सो सप्लीमेंटेशन इज नेसेसरी आफ्टर द हेल्दी डाइट, आफ्टर द सन एक्सपोजर ऑल्सो वी नीड सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। फॉर हाउ लॉन्ग? लाइक व्हेन ए पेशेंट कम्स टू मी इन द ओपीडी विद ऑस्टियोपेनिया सिम्टम्स, सो आई विल एडवाइज हिम फॉर 8 weeks, वीकली फॉर 8 weeks, देन वंस ए मंथ फॉर लाइफ लॉन्ग। For life long. This is the recommendation. So that's the recommendation. Yes, ma'am. चलिए यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा मैं पूछ लेती हूँ, आप में से कितने लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। सप्लीमेंट्स, अरे यू कैन बी ऑनेस्ट यार, आई ऑल्सो टेक सप्लीमेंट्स एट टाइम्स वेन आई फील फ्रेजाइल, B12। यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग सप्लीमेंट लेते हैं, रियली? अच्छा, हाउ मेनी पीपल गो टू द जिम? 1, just 4, 5, 6। बाकी लोग क्या एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते? कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? कुछ भी, यू वॉक, यू रन, यू डू जस्ट एनी फिजिकल एक्टिविटी, यू प्ले अ स्पोर्ट? क्यों भाई एक्सरसाइज नहीं करते हो, वॉक भी नहीं करते हो? आना इधर, इधर आओ, चलो मैं आ जाती हूं तुम्हारे पास। इतने यंग हो तो एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो? वॉक भी नहीं करते हो, रनिंग भी नहीं करते हो, क्यों? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, आई एम जस्ट क्यूरियस। I don't go to college, that's why I don't have enough time. आपके पास टाइम नहीं है? और कौन है जो बिल्कुल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता? कोई था ना यहाँ पे, इसी डेस्क पे कोई बैठा हुआ था। हाँ, सो प्रिटी वुमेन, हाय, क्या क्या वजह, आपको भी टाइम नहीं है? नो, आपके पास? आई थिंक माई वर्क इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, सो आई डोंट नीड एनीथिंग। व्हाट डू यू डू? So I work with the PR agency. So I think we have a lot of movement throughout the day. So how many steps you take in a day? I think I haven't counted yet. So how do you know that you are doing enough? Because my body is always on the move throughout the day. So I think, but I need exercise. I'm guilty of that. I make sure to count. Don't be guilty. Start doing it. That's the solution. सो सर, यहाँ पे डॉक्टर तनवीर, आपने ये पूरा जो लोगों से जानने का और समझने की कोशिश थी वो ये थी कि ज्यादातर लोग, बल्कि मुझे कहना चाहिए ऑलमोस्ट 99% लोग ये कह रहे हैं कि दे डू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बट हाउ मच फिजिकल एक्टिविटी इज इनफ? ओके, सो दैट्स अ वेरी ऑन पॉइंट क्वेश्चन।
So the current recommendation is at least 150 minutes of cardiac activity per week. That's the general. 150 minutes, so that is around so 2.5. So if you have 40 minute walk 3-4 times a week, that's usually enough. Okay. And in addition to that, there should be half of that, 75 minutes of strength training also per week. मतलब हर हफ्ते में आपको 3-4 बार वॉक और एटलीस्ट 3 बार जिम जाना चाहिए. और जो आपको जिम जाना जरूरी है जी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जिम जाना बहुत जरूरी है. उसका कारण ये है कि जो डॉक्टर साहब ने बताई अभी बात सैक्रोपिनिया के बारे में, जो मसल लॉस के बारे में और जो बोन का स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, उसको वॉक से या साइकिलिंग से करना इतना पॉसिबल नहीं है. सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डंबल्स, वेट लिफ्टिंग. अब आजकल एक देयर इज अ बिग चेन इन अमेरिका, वो जिम में मशीन्स नहीं लगाते हैं. सो इट इज ऑल बेसिकली फ्री फॉर्म ट्रेनिंग. डंबल्स हैं, बेंचेस हैं, मैट्स हैं. तो उनका टैगलाइन क्या है? वी डोंट हैव मशीन्स, वी बिल्ड मशीन्स. ह्यूमन बींग्स आर द मशीन. यू डोंट नीड एनीथिंग. आपको सिर्फ वेट्स चाहिए एंड एक अच्छा फॉर्म का अंडरस्टैंडिंग चाहिए ताकि इंजरी ना हो. आप जो भी एक्सरसाइज करें, चाहे वो सिंपल डंबल है, चाहे वो डेड लिफ्ट है या कोई भी एक्सरसाइज है, अगर उसका फॉर्म करेक्ट है तो आप कितना भी हैवी जाएंगे प्रोग्रेसिवली उसका नुकसान नहीं होता है. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, 75 मिनट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर वीक एंड 150 मिनट्स ऑफ कार्डियक एक्टिविटी इन एडिशन टू दैट पर वीक इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. तो आपने कहा सम यू सजेस्टेड 2.5 hours फिजिकल एक्टिविटी इन अ वीक. सो आई एम सेइंग 40 मिनट्स वॉक 3-4 टाइम्स अ वीक. 3-4 बार आप अगर 40 मिनट की वॉक या साइकिलिंग या स्विमिंग कर रहे हैं वो कार्डियक हो गया. और 3 बार भी अगर जिम गए जिसमें कोई भी रूटीन फॉलो कर लिया, जैसे मिक्स बॉडी रूटीन होता है या देर इज अ वेरी गुड वर्कआउट दैट आई पर्सनली प्रेफर, इट्स कॉल्ड अ पुश पुल लेग्स वर्कआउट. तो एक दिन पुश एक्सरसाइजेस का क्लस्टर कर लिया, एक दिन पुल एक्सरसाइजेस का कर लिया और एक दिन लेग्स का कर लिया. तो उसमें सब बॉडी के मसल्स टारगेट हो जाते हैं ताकि मंडे वेनेसडे फ्राइडे का अगर रूटीन है तो बीच में रेस्ट भी मिल गया. अपनी जॉब और यू नो ऑल दोज अदर जो लाइफ के बाकी सब काम है, फैमिली, रिक्रिएशन, घूमना फिरना, वो सब भी साथ में होता रहे ताकि आप सस्टेन कर पाए. बजाय कि एक बार ऐसा जिम ज्वाइन किया कि सातों के सातों दिन जा रहे हैं और 1 month के बाद बर्न आउट और छोड़ दिया सर. दैट डजंट मेक सेंस. सो यू हैव टू डू इट फॉर लॉन्गर, फॉर ईयर्स. और वो तभी हो पाएगा अगर आप एक रियलिस्टिक एम के साथ शुरू करेंगे, बजाय कि मैं 2 घंटे रोज जिम करूंगा. वो इवेंचुअली हो नहीं पाता है. आप मेंटली फिजिकली बर्न आउट हो जाते हो. प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा. डॉक्टर अरोड़ा, क्योंकि आप स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी स्पेशलाइज करते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो केसेस रिपोर्ट होते हैं या जो केसेस आपके पास आते हैं, उन केसेस का नेचर आप कितना बदलते हुए देख रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली इन इंडिया? सो आई थिंक दैट देयर इज टू थिंग्स जो मैंने देखी है ओवर द लास्ट सॉर्ट ऑफ यू नो 8-9 years, विच आई फील कि इवॉल्व हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वन इज बच्चे कमिंग विद इंजरीज जो पहले नहीं आते थे, एंड दीज आर यंग बच्चे दैट आर प्लेइंग एट स्कूल एंड दे आर गेटिंग मेनी मोर इंजरीज नाउ. एंड आई थिंक अ पार्ट ऑफ दैट इज बिकॉज एज अ सोसाइटी इंडिया इज प्रोग्रेस टूवर्ड्स अ स्पोर्टिंग कल्चर, अ स्पोर्टिंग सोसाइटी. देर इज मेनी मोर लीग्स नाउ, देर इज मच मोर स्कूल पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ गए हैं, ये सारा कुछ हो गया. बट रिमेंबर द बॉडी डज नॉट डिवेलप ओवर नाइट एंड नॉट ईच पर्सन इज बॉर्न टू बी अ प्लेयर, राइट? सो इवेंचुअली वॉट हैपन्स इज कि अगर आपका बॉडी उस एबिलिटी का नहीं है, यू आर गोइंग टू सस्टेन एन इंजरी, ठीक है? और वो बच्चे हमारे पास आते हैं रूटीनली, से दे प्लेइंग फुटबॉल विद देयर फ्रेंड्स एट स्कूल या टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, कुछ हो जाता है, दे ट्विस्ट देयर नी, दे एंड अप विद एन इंजरी, राइट? एंड दे लैंड अप टू अस. नाउ 99% ऑफ द टाइम दे जस्ट मैनेज्ड विद सम रेस्ट, सम रिहैब, और फिर वो ठीक हो जाते हैं, राइट? एंड I think that is one thing that I've seen. The second thing that I've seen is the number of gym-related injuries that are coming to us. Now, more and more people are coming with gym-related injuries. Again, there is two groups that come, right? एक तो 40 to 50 year old के बीच में महिलाएं होती हैं जिनको suddenly fascination बनता है कि बहुत पतले होना है उनको, and for a period of time they've you know been gaining weight and then they suddenly realize 40 hit करके कि this is my midlife crisis और अब मैं पतली होके दिखाऊंगी. ये अभी यार ये बहुत एक important है, discussion का बिंदु है, और वो ये है, how many people want to be thin? Raise your hand. Nobody wants to be thin. आप यहाँ बोल रहे हैं सब पतले होने के लिए जिम में जाके एकदम कूद yes. पड़ते हैं, तो यहाँ तो कोई कहे हाउ मेनी पीपल वॉन्ट टू बी फिट?
इसमें तो भाई थोड़ी तो मेहनत करो, जहां हाथ नहीं उठा पा रहे हो वहां फिजिकल एक्टिविटी क्या करोगे भाई लोग तुम और बहन लोग भी. सो यहां पे तो आप देख रहे हो कोई पतला ही नहीं होना चाह रहा और आप केसेस आ रहे हैं आपके पास. नाउ नोबडी वांट्स टू बी अ जीरो राइट, दे जस्ट वांट टू बी ट्रिम एंड फिट राइट. सो बट इट्स थिनर फ्रॉम व्हाट यू आर एट 40 राइट. 40 में थोड़ा सा वेट एक्यूमुलेट हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स एंड देन सडनली देयर इज अ फैसिनेशन दैट आई वांट टू अगेन लुक लाइक हाउ आई लुक लाइक एट 20. सो व्हाट हैपेंस इज कि दीज पीपल गो टू द जिम, दे ओवर डू इट राइट एंड इट्स नॉट ऑलवेज देयर फॉल्ट. समटाइम्स इट्स द ट्रेनर्स पुशिंग देम टू मच, समटाइम्स उनके खुद के इंटरनल इंस्टिंक्ट्स आर पुशिंग देम टू मच एंड देयर बॉडी इज नॉट रेडी. क्योंकि एक बॉडी इट्स लाइक अ वोल्केनो, वो इतने सालों से डॉर्मेंट पड़ी थी, आपने एकदम से उसको एक्टिवेट कर लिया है, ना आपके मसल्स रेडी है, ना आपके बोन्स रेडी है, ना आपके जॉइंट्स रेडी है टू टेक दैट अमाउंट ऑफ लोड एंड देन इट इज गोइंग टू फेल राइट. इट्स लाइक कि आपके गैराज में एक गाड़ी खड़ी है इतने सालों से, उसके ऊपर जंग पड़ी जा रहा है, एक दिन आप उसको निकालते हो और शूमाकर बनना चाहते हो राइट. इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट टेक्स टाइम एंड इट हैज टू बी डन ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द सेकेंड ग्रुप दैट इज कमिंग इन दिस जिम कैटेगरी इज यंग प्रोफेशनल्स. सो पीपल दैट आर एक्टिवली वर्किंग, they are between the ages of say 20 to 30 years of age or 20 to 35 years of age, who don't have time in their lives to do a lot of gym and then they suddenly activate themselves and want to do gym. So kya hota hai ki agar aap koi trainer ke sath kar rahe ho us time pe, unko at least pata hai ki you know posture kaisa hona chahiye, how to lift, how to do everything, and for them, for that group, trainers are very safe to have right, because they guide them properly. प्रॉब्लम कब आती है कि दे गो टू द जिम, देव नेवर डन जिम एंड दे सडनली से यू नो वट आई वॉन्ट टू लिफ्ट 25 kg डम्बल, और जैसे ही वो उठाते हैं दे हियर अ पॉप एंड देर इज अ पेन इन द शोल्डर, देन इट बिकम्स अ नैगिंग पेन, इवेंचुअली एंड्स अप एज अ टियर राइट. सो दैट इज द चेंजेस आई हैव सीन, बच्चे कमिंग इन विद इंजरीज ड्यू टू मोर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एंड जिम रिलेटेड इंजरीज इन दीज टू ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स. ओके अमित, यहाँ पे क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट आउट किया कि मुझे पतले होना है, ये एक तरह का नया फिक्सेशन है और काफी लोगों को है, मतलब इसमें किसी को रिडिक्यूल करने की बात नहीं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक नाइस, बट एज वी एज आर बोन्स ऑल्सो एज एंड दैट इज अ फैक्ट दैट एवरीबडी नीड्स टू एक्सेप्ट, दैट्स अ रियलिटी वेदर वी लाइक इट और नॉट. तो मैं आपसे ये जानना और समझना चाहती हूँ, ये प्रॉब्लम है, ये हमारे माइंडसेट में भी प्रॉब्लम है और हम सडनली वी वेक अप एट 40 और वी वेक अप एट इन लेट 30s एंड देन वी वांट टू डू व्हाट कियानो रीव्स इज डूइंग एट 60 और वी वांट टू डू व्हाट सैंड्रा बुलॉक इज डूइंग एट 60. तो ये बोन्स जब एज हो रही है उस प्रोसेस को क्या रोका जा सकता है, मतलब उनकी अगर वो स्पीड के साथ एज हो रही है क्या उनकी उस गति को कम किया जा सकता है? एक्चुअली दोनों सवाल आपस में इंटर रिलेटेड हैं. तो अगर हम पहले बात करें पतला होने की, सो वन इज वेट लॉस एंड वन इज हेल्दी वेट लॉस. सो हेल्दी वेट लॉस का सीक्रेट जो है वो इट्स नॉट डाइटिंग, कि हम डाइटिंग करते रहें, हम कम खाएं और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें, सिर्फ यही चीज नहीं है. बेसिकली वी हैव टू टेक ए बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट का फंडा है कि उसमें प्रोटीन इनटेक ज्यादा होना चाहिए. प्रोटीन इनटेक होने से हमारी मसल्स ग्रो करेंगी, हम वेट लॉस करेंगे लेकिन हेल्दी तरीके से वेट लॉस करेंगे. नॉट लाइक कि हमें सिर्फ वेट लॉस करना है इसलिए हम कम खा रहे हैं और अपना बैलेंस फूड नहीं खा रहे हैं. सो वी लूज मसल्स ऑल्सो, फर्स्ट थिंग. अगर मसल हम लूज करेंगे तो हमारी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, बेसिक मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है, वो भी कम होगी. सो हमें वो चीज सस्टेन करने में प्रॉब्लम होगी. तो द सीक्रेट ऑफ हेल्दी वेट लॉस इज बाय एक्सरसाइजिंग, मेंटेनिंग योर मसल्स एंड ईटिंग हेल्दी डाइट एंड टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग जो आपने बोला प्रोटीन, व्हाट वुड यू रिकमेंड? देर आर सोर्सेज फॉर बेसिकली वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस. वेजिटेरियंस के लिए हम स्प्राउट्स यूज कर सकते हैं और सोया यूज कर सकते हैं, चना यूज कर सकते हैं, पल्सिस यूज कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम विद वेजिटेरियन प्रोटीन इज कि हमें सीरियल्स और लेग्यूम्स दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए टू गेट ए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ अमीनो एसिड्स है वो एक मिथ्योनिन नहीं होता, एक में एक लाइसिन नहीं होता. बेसिकली दे आर डेफिशिएंट, दे कॉम्प्लीमेंट इच अदर एंड द प्रोटीन क्वांटिटी इज ऑल्सो लेस इन सीरियल्स एंड पल्सेस. एवरी वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन क्वांटिटी इज लेस एंड नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज लेस. बट इफ वी गो टूवर्ड्स एग्स और बेसिकली लीन मीट, देन द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज बेटर एंड प्रोटीन क्वांटिटी इज ऑल्सो बेटर.
सो देर आर सोर्सेज, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन से आप पूरा नहीं कर सकते हो, वेजिटेरियन करके भी आप पूरा कर सकते हो, बट देन यू विल नीड सम सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट एंड रिक्वायरमेंट कि आपको कितना वेट लॉस करना है और बेसिकली कितना मसल गेन करना है, तो डेट इज ऑल. और आपने पूछा कि बोन की जो स्ट्रेंथ है उसको कम होने से कैसे रोकना है, तो उसका आंसर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. सो आवर जो हमारा जो वर्कआउट है वो इस तरह से प्लान होना चाहिए कि उसमें मोटा मोटा 20% कार्डियो एंड 80% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, तो जो मसल्स हैं, जो ऑस्टियोपेनिया जिसको हम बोलते हैं, वो रोकने में कारगर होते हैं, साथ में सार्कोपेनिया भी नहीं होते, और उससे वेट लॉस भी हमारा हेल्दी वेट लॉस होता है. अगर हम कार्डियो एक्टिविटी ज्यादा रखेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम करेंगे, तो इवेंचुअली हम पतले होंगे, लेकिन जो हमारा मसल बल्क है वो नहीं बनेगा. ओके. यहाँ पे डॉक्टर तनवीर, मेरे दो सवाल है. एक तो क्या जो सर्जिकल केसेस हैं आर दे गोइंग अप, क्योंकि यू ऑल्सो स्पेशलाइज इन रोबोटिक सर्जरी, तो उसमें मैंने लोगों से सुना है कि अगले दिन डॉक्टर ने खड़ा कर दिया, वो जो पहले सर्जरी होती थी उसमें मंथ्स लग जाते थे हील होने में, अभी लोगों को मैं कहते हुए सुनती हूँ, अरे डॉक्टर ने तो मुझे कल ही अगले ही दिन खड़ा कर दिया था, डॉक्टर ने तो मुझे परसों ही सीढ़ी चढ़ने के लिए बोल दिया था. तो वी गेट टू हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये सर्जिकल केसेस क्या दे आर गोइंग अप, एंड ये जो रोबोटिक मेथड्स हैं, हाउ मच आर दे हेल्पिंग? सो टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, यस, सर्जिकल केसेस आर गोइंग अप. द नंबर ऑफ द बर्डन लोड, जिसका हम बोल रहे हैं कि जितने लोगों को आज आर्थराइटिस है या जितने लोगों को इस सर्जरी की जरूरत है, उसके केसेस बढ़ रहे हैं. उसके तीन कारण. सो फर्स्ट रीजन इज कि आर्थराइटिस का अब इंसिडेंस बढ़ते चले जा रहा है एज कंपेयर टू बिफोर. अब ज्यादा लोगों को आर्थराइटिस हो रहा है, उसके कई फैक्टर्स हैं. सेकेंड रीजन इज इंक्रीज लॉन्जिविटी. अब पीपल आर लिविंग फॉर लॉन्गर, सो दे आर लिविंग फॉर 75, 80, 85, 90 ईयर्स ऑफ एज. पहले इतनी लॉन्जिविटी नहीं थी, अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है विद कंट्रोल ऑन अदर डिजीजेस कि अब इंसान ज्यादा देर के लिए जी पा रहा है. सो अब उन लोगों को आर्थराइटिस हो रहा है जो पहले उस स्टेज तक पहुंचते ही नहीं थे. थर्ड रीजन इज पीपल आर एक्सेप्टिंग द प्रोसीजर, नंबर वन. और प्रोसीजर जो कि नी रिप्लेसमेंट है, उसका सक्सेस भी अब बढ़ते चले जा रहा है एज कंपेयर टू 20 साल पहले की अगर बात करें तो बहुत लोग डरते थे सर्जरी कराने से. अब जब एक 10 को देखता है, 10-100 को देखते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बनता है. और प्रोसीजर के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ऐसे हो गए हैं, अब इम्प्लांट डिजाइन में कह लीजिए, सर्जन की ट्रेनिंग में कह लीजिए, जो टेक्नोलॉजी एक सर्जन को एनेबल करती है वो प्रोसीजर अच्छे से करने के लिए, उसमें कह लीजिए, तो उसका सक्सेस भी बढ़ते चले जा रहा है. तो प्रोसीजर का एक्सेप्टेंस रेट काफी हाई हो गया है. टू आंसर योर सेकेंड क्वेश्चन, यस, टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग द सर्जन्स. सो आई ऑलवेज से टेक्नोलॉजी इनेबल्स अ सर्जन, इट डज नॉट मेक अ गुड सर्जन. अगर कोई सर्जन अच्छा है तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करके और अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, बट द हार्ट एंड सोल विल ऑलवेज बी द सर्जन. अगर आपके पास रोबोटिक है या नेविगेशन है या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी, अब जैसे एडवांसमेंट्स AIR, ये सब चीजें हैं, तो एक अच्छा सर्जन उन टेक्नोलॉजीज को यूज करके, एक चीज होती है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, हर चीज को मेजर कर सकते हैं, हर चीज को हम पर्सनलाइज्ड एक रिजल्ट दे सकते हैं पेशेंट को. तो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज यू नो दीज इमेजलेस 4th generation रोबोट्स, एंड दीज रोबोट्स कैन गिव, इसे पेशेंट स्पेसिफिक अलाइनमेंट कहते हैं. तो पेशेंट के अपने नी, हिप और एंकल की एनाटॉमी के हिसाब से, उनके अपने आकार की तरफ से वो एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस पेशेंट को देते हैं, ताकि उनका जो एक फील है नी का वो नेचुरल आए, उनको लगे नहीं कि उन्होंने एक इम्प्लांट डलवाया है, ताकि जब वो सीढ़ियां चढ़ें, बैठ के उठें, तो उनको एक नेचुरल नी का फीलिंग आए. और इन्हीं वजह से फिजियोथेरेपी का रिक्वायरमेंट कम होते जा रहा है, रिकवरी फास्ट होती जा रही है, पेशेंट वाकई अगले दिन खड़े हो सकते हैं, विद इन 1 week, 10 days वॉकर स्टिक छोड़ के चलना शुरू कर सकते हैं, कई पेशेंट्स विद इन 2 weeks एक्टिवा वगैरह चलानी शुरू कर देते हैं. सो द रिजल्ट्स आर इम्प्रूविंग एंड इट इज ऑल्सो मल्टी फैक्टोरियल. डॉक्टर अरोड़ा, क्लोजिंग कमेंट आपका, जो हमने डिस्कशन किया ओवरऑल, अगर मैं आपसे कहूं कोई ऐसा बिंदु जो हमने मिस कर दिया हो, या आप चाहते हैं कि ऑडियंस उस बात के बारे में सोचे, इफ यू कुड जस्ट गिव मी योर क्लोजिंग कमेंट. आई थिंक दैट यू समराइज इट ऑल वेरी वेल. एंड दुनिया बदल रही है, सो दुनिया इज वेरी डिफरेंट टू हाउ इट वॉज बिफोर. हमें भी अडेप्ट होना है उसके साथ, वाइल मेंटेनिंग सर्टन थिंग्स जो हमारे फोर फादर्स एंड एंसेस्टर्स ने हमें सिखाई हैं, लाइक द वैल्यू ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, द वैल्यू ऑफ अ हेल्थी डाइट, वो सारी चीजें भी नहीं हमने भूल ली है. बट एट द सेम टाइम एज सर इज सेइंग ऑल्सो एंड एज सर हैज ऑल्सो सेड, वी हैव टू अडेप्ट
inoculate the technology that we are getting, the results are getting better, dunya is going to live for longer. And ironically, I'll tell you ki in the last 10 years, okay, if I leave you with a very dark thought, in the last 10 years, aapko pata hai, hamara life expectancy has increased by 0.1 year. So in the last 10 years of civilization, our entire life expectancy has increased by 0.1 years. This which means we are actually dying faster than we're getting to live longer. So in that darkness, ये क्लोजिंग कमेंट है, लेकिन हमने जिम की बहुत बात की, हमने फिजिकल एक्टिविटी की बात की, बट हमें से किसी ने योगा के बारे में बात नहीं की. योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक की वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन रियली इज टू पुश योगा. एंड आई थिंक दैट हमेशा उसको कहते हैं ना, दिस इज आवर सॉफ्ट पावर. इट ट्रूली इज आवर सॉफ्ट पावर, बिकॉज हैविंग लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अबाउट 20 इयर्स, आई रिमेंबर पीपल देयर वर सो फैसिनेटेड बाय योगा एट दैट पॉइंट इन टाइम. And now those same people are the ones that are driving change throughout the world. So I think, you know, this is something amazing and we should really build on this as a nation going forward. I think मुझे लगता है कि उन्होंने हमारा तरीका अपना लिया है और हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल के पीछे दौड़ रहे हैं. So I think middle ground is where we need to be. बिल्कुल. यहाँ पे कितने लोग योगा करते हैं प्लीज? More than your number of gym goers. Huh? More than those that were going to the gym are doing yoga. This is what I can see over here. Chaliye, thank you so much, gentlemen. बहुत ही interesting discussion था. उम्मीद है यहाँ से सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाएंगे, उसको implement भी करेंगे. Thank you so much. Thank you so much for your valuable insights, sir. Please stay on stage. Now it's time to felicitate our honorable guests. इसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर जगमीत जम्मू, रिटेल बिजनेस हेड, हिंदी स्पीकिंग मार्केट न्यूज 18, टू प्लीज कम ऑन स्टेज टू फेलिसिटेट आर ऑनरेबल गेस्ट. फर्स्ट वी हैव डॉक्टर अमित गोयल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट एमबीबीएस डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स पार्क हीलिंग टच हॉस्पिटल अंबाला. थैंक यू सो मच सर. And we have Dr. Tanveer Singh Bhutani, Robotic Knee Replacement and Sports Injury Specialist, Eva Hospital, Ludhiana. Thank you so much, sir. And we have Dr. Manit Arora, Orthopedic Sports Medicine, Fortis Hospital.